बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। फूड मैजिक बाय मरियम के किचन में आज बने जा रहे हैं बहुत ही यमी से चिकन चाउमीन, और बनाएंगे थोड़े से देसी स्टाइल में। ये रेसिपी आप 15 से 20 मिनट में आसानी से बना सकते हैं। अगर आपके कोई सडन गेस्ट आ गए हैं तो आप इसको फौरन से बना सकते हैं। बच्चों और बड़ों सबके फेवरेट होते हैं, तो चलो देख लेते हैं ये सुपर ईजी रेसिपी। तो चलिए, पानी जो हमारा बॉयल होना स्टार्ट हो गया, सबसे पहले इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल और थोड़ा सा नमक शामिल कर लेंगे। अब हम इसमें शामिल कर रहे हैं 250 ग्राम नूडल्स, यानी कि हाफ पैकेट मैं इसमें ले रही हूँ, और इसको हमें 80% बॉयल करना है, यानी कि तकरीबन 5 to 7 मिनट्स। ये खुद ही अब अंदर जाते जाएंगे जैसे जैसे सॉफ्ट होता जाएगा। तो 5 से 7 मिनट के बाद हम इसको ड्रेन करके ठंडे पानी से एक दफ़ा वॉश करके दोबारा से हल्का सा ऑयल लगाएंगे ताकि हमारी नूडल्स आपस में चिपके ना। नूडल्स हमने बॉईल होने रख दिए हैं, अब हम अपने चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल सी इसकी मैरिनेशन है। सबसे पहले इसमें शामिल करूँगी मैं 1/2 टीस्पून जो है, या सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। 1/4, 1/4 चम्मच मेरे पास काली मिर्च है, 1 टेबल स्पून सोया सॉस और 1 टेबल स्पून ऑयल। ठीक है जी, बहुत ही ईजी सी हमारी मैरिनेशन थी। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और उतनी देर में हम तैयार करते हैं हमारी जो चाउमीन की सॉस है, और 5 से 10 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए छोड़ देंगे। हमने सब चीज़ों को अच्छे से मिक्सअप कर लिया है। चलें, इसको 5 से 10 मिनट के लिए हम करते हैं साइड पे और चाउमीन सॉस रेडी कर लेते हैं। तो सेकेंड स्टेप हमारा आ जाता है कि चिकन चाउमीन की सॉस बनाना। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए 1 कप टमाटो केचप, वो डालेंगे। वन टेबल स्पून इसमें जाएगा डार्क सोया सॉस, 2 टेबल स्पून इसमें जाएगी रेड चिली सॉस जो हम सूप में भी यूज़ करते हैं, 1/2 टीस्पून जाएगी ब्लैक पेपर, और 1 टीस्पून जाएंगे हमारे जो रेड चिली फ्लैक्स होते हैं, मोटी भी कुटी लाल मिर्च, 1/2 टीस्पून जाएगी इसमें सफ़ेद मिर्च, और 1 टीस्पून इसमें जाएगी सूर्ख मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें जाएगा गरम मसाला, और 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा चीनी का। मैं यहाँ पे वाइट यूज़ कर रही हूँ शुगर, आप चाहें तो ब्राउन शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। और 1/4 चम्मच मैं इसमें डालूँगी नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इन तमाम चीज़ों को अच्छे से व्हिस्क कर लेंगे। हमारी जो चाउमीन सॉस है वो बिल्कुल रेडी है। अब हम अपने फाइनल स्टेप की तरफ चलते हैं और चिकन चाउमीन बनाने का जो प्रोसेस है स्टार्ट करते हैं। चलिए जी, अब चाउमीन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फ्लेम को ऑन करते हैं, मीडियम टू लो फ्लेम रखेंगे, और सबसे पहले इसमें तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून मैं ऑयल के ऐड कर रही हूँ, और साथ ही इसमें शामिल कर लेंगे 1 टेबलस्पून गार्लिक चॉप, और हल्का सा इसको हम सॉटे कर लेंगे। चलें जी, अब अनियन हमारा हल्का सा सॉटे हो गया, अब जो हमने अपना चिकन मैरिनेट किया था ओके, तो हम इसको ऐड कर लेते हैं। और इसको हम कर लेंगे फ्राई, अंदर अपना जो कलर है अच्छा सा चेंज कर लें। ओके, जैसे कि आप देखेंगे जो मैंने चिकन की स्ट्रिप्स हैं जूलियन स्टाइल में कट की हुई हैं। आप कभी भी किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा जो चाउमीन होते हैं जो उसमें चिकन की उन्होंने कटिंग की होती है वो हमेशा जूलियन स्टाइल में की होती है। तो आप भी इस चीज़ को अपने माइंड रखिएगा, जब भी आप बनाएं तो कोशिश कीजिए कि जो आपके चिकन की स्ट्रिप्स हैं वो थोड़ी जूलियन स्टाइल में कटी हो, तो इट लुक्स रियली अमेजिंग, और जब चीज़ देखने में बड़ी खुशनुमा होती है तो खाने में भी उसका बहुत मज़ा आता है। देखिए
मैंने जो अपना कलर है वो चेंज करना शुरू कर दिया। तो आई थिंक इसको हम तकरीबन 2-3 मिनट और इसी तरह से मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे और इसी देर में ही अच्छे से अपना जो कलर है उसको चेंज कर लेंगे। और इसी तकरीबन 2-3 मिनट हो गए और आप देख सकते हैं चिकन ने ब्यूटीफुली अपना कलर जो चेंज कर लिया। और इसके साथ ही जो हमने चिकन को मैरिनेट किया था आप देख सकते हैं कि ये एक बड़े मज़े की इसने एक सॉस से भी खुद ही रेडी कर ली है। अब चाइना के हम इसमें अपनी वेजेस डालें और वेजेस में सबसे पहले हम इसमें डालेंगे गाजर, क्योंकि ये इस तरह थोड़ी सी ज़्यादा हार्ड होती है। तो मेरे पास है मौजूद है 1 कप गाजर। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे बंद गोभी, ये भी मैं 1 कप ले रही हूँ। मैंने तमाम सब्जियाँ जो इसमें ली हैं उनकी क्वांटिटी 1 कप रखी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको बहुत ही शलो से फ्राई कर लेंगे फॉर लाइक रफली 1 मिनट। क्योंकि ये चाउमिन या जो भी हम चाइनीज़ की रेसिपीज बनाते हैं कभी भी सब्जियों को उसमें प्रॉपरली गलाया नहीं जाता, थोड़ा सा उसमें जो है कच्चा पलम का रखा जाता है। तो सबसे पहले हम गाजर को इसे सॉफ्ट करेंगे जो ज़रा थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, तो इसको कर लेंगे। साथ ही हम ऐड करेंगे हमारा अनियन एंड शिमला मिर्च, ये भी 1 कप मैंने इनको जो क्वान्टिटी ली है। और अपनी वजह से तकरीबन 2 मिनट के लिए हम अच्छा सा चलो फ्राई कर लेंगे और इनको 50% पर इस तरह से बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि मसाला कितनी कलरफुल और देखने में बहुत ही मज़े की और अमेजिंग थी जो लुक है वो इसकी आना शुरू हो गई है। तो बहुत केयरफुली आप इसको इस तरह से भी फ्लिप कर सकते हैं अगर आप थोड़े से ट्रेंड हैं, तो ये देखिए इसी तरह से इसको हम 2 मिनट हल्का सा मज़े स्टार्ट करेंगे। तो अब हमने ये जो सॉस रेडी की थी चाउमिन सॉस, अब इसको डालने का वक्त आ गया। अच्छा, तो इस पॉइंट पे आके आपने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सॉस को ऐड करना है। मैं इसमें से 1/2 कप अभी इसमें डाल दूँ। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद ज़्यादा करते हैं तो आप पूरी भी डाल सकते हैं, ये बाकी टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं तो आप पूरी डालेंगे, अगर आपको थोड़ा सा कम रखना चाहते हैं तो आप इसमें 1/2 डाल दीजिए। अभी हम इसको हल्का सा अपने रोजी के साथ आप देख सकते हैं सब्जी है वो बिल्कुल हमें सही सही नजर आ रही है, उसकी एक्स्ट्रा जो हमें नहीं जला है। चलिए सॉस भी हमारी अच्छी से जो है रेडी के साथ बन गई है और अब टाइम है हम इसमें अपनी नूडल्स ऐड कर लें। ओके जी, तो ये देखिए जो हमने नूडल्स अपने बॉईल किए थे कितने अच्छे और देखें बिल्कुल भी जुड़े जुड़े नहीं, ये आप इनको इस तरह से देख सकते हैं। सिंपली आप जब भी कोई नूडल्स बॉईल करें तो फ़ौरन से बॉईल उनको करने के बाद अच्छे से उसे ठंडे पानी से वॉश किया करें और हल्का सा ऑयल उनको करके उनको अच्छे से ऐसे ग्रीस कर लिया करें। तो ये देखें आपके जो नूडल्स हैं वो बिल्कुल भी स्टिकी नहीं होंगे। और अब बहुत केयरफुली हम जो अपने नूडल्स हैं वो इसमें ऐड करना शुरू करते हैं इस तरह से। मैंने इस रेसिपी में 250 ग्राम नूडल्स यानी कि 1/2 पैकेट नूडल्स का इस्तेमाल किया है। अब हम बहुत ही केयरफुली अपने नूडल्स को मिक्स कर लेंगे। जी चाउमिन देखिए अच्छे से मिक्सअप हो गई है और बिल्कुल रेडी जो सर्व है। अब इसके ऊपर हमें सिंपली अपना जो स्प्रिंग अनियन है उसको स्प्रिंकल करते हैं और इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्सअप कर लेते हैं। चलें जी, हमारी जो चिकन चाउमिन है वो वेरी देसी स्टाइल में बड़े मज़े की स्पाइसी थी बिल्कुल बनकर रेडी है। और अब हम इसको करते हैं डिश आउट और आपको इसकी फाइनल दिखाते हैं।
सो व्यूवर्स, ये थी आज की बहुत ही सुपर इजी एंड यमी से चिकन चाउमिन की रेसिपी एंड आई होप कि आप लोगों ने इसको बहुत इन्जॉय किया होगा। हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशन ज़रूर दिया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमें रखें दुआ में याद, और फ़ोन मैजिक को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।